हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन। अमित किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बिना ओवन के और बिना वाइन के प्लम केक। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, इसमें आप एक प्लम केक बना सकते हो। और इसे मैं पतीले में ही बेक करने वाली हूँ, फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। चलो फिर देखते हैं हम प्लम केक कैसे बनाते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ चेरीज ली है, उसी के साथ यहाँ पर भी लिए हैं काजू, बादाम और टू टाइप्स के मनुके। यहाँ पे आप रेड वाली जो बड़े वाली चेरी जाती है वो भी यूज़ कर सकते हो। बोल मैंने शुगर ग्राइंड कर ली थी, उसके साथ मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, शुगर, ऑयल और टू एग्स है। एक पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। और शुगर को हम कैरेमलाइज करने वाले हैं, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करना है। इसे हम शुगर को मेल्ट करेंगे। कैरेमल हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। एक 3-4 मिनट में कैरेमल हमारा आराम से रेडी हो जाता है। यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है, लेकिन इसे आपको कंटिन्यूसली हिलाना ही है, नहीं तो फिर कैरेमल हमारा जल सकता है। कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। इसे ज़्यादा हमें गाढ़ा कलर नहीं लाना है, नहीं तो फिर जो हमारा कैरेमल है ना वो कड़वा हो जाएगा। इसमें मैंने डाला है गर्म पानी। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास गर्म पानी किया था, वो पूरा यहाँ पे ऐड करना है। गैस की फ्लेम स्लो ही करनी है, नहीं तो फिर ये पानी हाथ से उड़ सकता है, क्योंकि हमारा कैरेमल यहाँ पे बहुत गर्म है। और इसे हमें कंटिन्यूसली मिक्स कर लेंगे हिलाकर। कैरेमल सॉस हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें कैरेमल सॉस बनाना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे सब ड्राई फ्रूट्स, और इसे हम एक पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हमारा सॉस भी गाढ़ा हो जाएगा और जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो भी पक जाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं, कैरेमल भी हमारा गाढ़ा हो चुका है और जो हमारे सब ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो भी अच्छी तरह से नरम हुए हैं, पक गए हैं। इसी तरह से हमें ड्राई फ्रूट्स को भी पकाना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया था और उसमें मैंने सॉल्ट गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर रखने वाले हैं हम एक स्टैंड लिया था, उसमें हम हमारे 2 अंडे फोड़ के डालने वाले हैं। और इसे हम बीट कर लेंगे। अंडे भी हमारे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर, जिसको हम मिक्सर में ग्राइंड किया था ना वही शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 बाउल शुगर ली थी। और इसे हम मिक्स कर देंगे और बीट कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ऑयल, आप यहाँ पे बटर भी यूज कर सकते हो। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा केक का बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं हमारा कैरेमल सॉस और ड्राई फ्रूट्स। और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। एक केक का यहाँ पे मैंने मोड़ लिया है, आप चाहिए तो कुकर का डब्बा भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं लगा रही हूँ हमारा केक का बैटर, और बटर पेपर को मैंने काट लिया था, साइड से भी थोड़ा सा
केक का बैटर लगा रही हूँ। इससे जो हमारा केक है ना नीचे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं तो बटर पेपर लगाना ज़रूरी है। और स्टेशनरी की दुकान में आराम से आपको बटर पेपर मिल जाएगा, साइड से भी हम बटर पेपर लगा लेंगे इसी तरह से। केक का टिन हमारा रेडी हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा केक का बैटर। बैटर हमारा गाढ़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला बैटर हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। बैटर को हम टैप कर लेंगे इस तरह से। जो हमने सॉल्ट प्रीहीट करने के लिए रखा था ना, उसी पतीले में हम रखने वाले हैं हमारा केक का टिन। केक के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और इसे हम बेक कर लेंगे एक 25 से 30 मिनट के लिए। एक 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा केक है ना ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। इसमें हम एक नाइफ डालेंगे, नाइफ के ऊपर केक का बैटर चिपका नहीं है यानी कि हमारा केक रेडी है। इसे हम ठंडा करेंगे और डिमोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिना वाइन का और बिना ओवन का हमारा ड्राई फ्रूट्स का प्लम केक खाने के लिए रेडी हो चुका है। इस सच में बहुत सॉफ्ट हुआ है और डिलीशियस भी हुआ है। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नवमित किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।